बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार राजकुमार राव, जो आजकल एक फिल्म के 10 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं, वो बूगी वूगी में रिजेक्ट हुए थे ऑडिशंस में जब वो 16 साल के थे। 90s में आता था ना डांस शो बूगी वूगी, सबने देखा होगा जो 90s के जमाने के हैं। और आज देखो राजकुमार राव का भोकाल। ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में बताएंगे, अमेजिंग जानकारी देंगे जो ऑडिशंस में रिजेक्ट हुए थे रियलिटी शोज के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। कपिल शर्मा, जो आज हर बड़े एक्टर को अपने सामने सोफे पर बिठाकर उनका मजाक बनाकर पूरे इंडिया को हंसाते हैं, ये कॉमेडी किंग पहले गाना गाना चाहते थे। Wanted to become a singer, और वो इंडियन आइडल के ऑडिशंस में रिजेक्ट हुए थे। आयुष्मान खुराना, जो आजकल बॉलीवुड में बढ़िया काम कर रहे हैं, वो रोडीज 2 के विनर थे। अब ये तो शायद कुछ लोग जानते हैं, पर 2004 के रियलिटी शो सीने स्टार्स की खोज, जो जी टीवी पे आता था, उस पे ये रिजेक्ट हुए थे। और रघुराम, जो रोडीज में दुनिया भर को गाली देते हैं, रिजेक्ट करते हैं और रियलिटी शो में अपने गुस्से और गालियों की वजह से जाने जाते हैं, उनकी भी वाट ले ली गई थी एक रियलिटी शो में। वो भी इंडियन आइडल में गए थे गाना गाने और हुए थे उधर से रिजेक्ट। बाकी रियलिटी शोज में आप कौन से एक्टर को देखना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।